हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड के किस टॉप स्टार के घर से आने वाली है खुशखबरी? क्या शाहरुख के बाद सलमान भी अपनी फिल्म किक में तोड़ेंगे ऑन स्क्रीन किस ना करने का अपना वादा? करण जौहर ने अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में की रिलीज डेट क्यों की पोस्टपोन? बताएंगे ऋतिक और शाहरुख के बाद कौन सा बॉलीवुड स्टार करने जा रहा है एक सुपर हीरो फिल्म। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड के एक टॉप स्टार के घर आने वाली है एक बड़ी खुशखबरी। क्या है ये खुशखबरी और किस स्टार के लिए है ये, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। एक टॉप बॉलीवुड स्टार के घर से आने वाली है खुशखबरी। इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार रिपोर्टेडली फिर से फादरहुड के लिए है तैयार और जूम आप तक लेकर आ गया है एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ ये पूरा बेबी स्कूप। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो नेक्स्ट मंथ जुलाई के फर्स्ट वीक में एक टॉप बॉलीवुड स्टार के घर आने वाला है एक सरोगेट बेबी। सरगसी की बात ने आपको आमिर खान और किरण राव के सरोगेट बेबी आजाद की याद जरूर दिला दी होगी और अब इस मीडिया रिपोर्ट के माने तो सरगसी की इस टेक्निक का सहारा लेने जा रहा है एक दूसरा बड़ा टॉप स्टार। जिस स्टार की शादी 90s में हुई, अर्ली एज में उस स्टार को दो बच्चे भी हो गए, उनमें से एक ने रिसेंटली अब्रॉड में अपनी पढ़ाई शुरू की है, लेकिन इतने सारे क्लूज देने के बाद भी मीडिया रिपोर्ट में उस स्टार का नाम नहीं दिया गया है। तो आखिर कौन है आमिर के बाद जल्द ही सरोगेट बेबी से खुशखबरी देने वाला वो स्टार? क्या वो स्टार है सैफ अली खान, जिन्होंने लास्ट ईयर ही करीना कपूर से शादी की है और हो सकता है वो अपनी फैमिली एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर वो है अक्षय कुमार? आमिर का नाम दोबारा इस लिस्ट में लेना ठीक नहीं होगा और सलमान का नाम इस लिस्ट में लेने का कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि ना तो कभी उनकी शादी हुई और ना ही उनके बच्चे हैं। अब्रॉड में पढ़ने वाला बच्चा तो दूर की बात है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि किस टॉप स्टार का नाम गिनाए जाने से बच गया है। ऐसे में अगर कुछ बचा है तो सिर्फ खुद उस टॉप स्टार की तरफ से कॉन्फर्मेशन आना बचा है और इस खुशखबरी को वो खुद ही अनाउंस करें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहरुख के बाद सलमान भी अपनी फिल्म किक में तोड़ेंगे ऑन स्क्रीन किस ना करने का अपना वादा, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान इज नोन टू बी अ लेडीज मैन ऑन स्क्रीन, बट ऑन स्क्रीन द भाई ऑफ बॉलीवुड फॉलोज सर्टेन एथिक्स। फॉर साजिद नडियाडवाला'स डायरेक्टोरियल डेब्यू किक, द स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड जैकलीन फर्नांडिस टू सेड्यूस सल्लू, हु पासेस आउट ऑन द सोफा, बट वी हियर व्हेन द सीन वाज नरेटेड टू सलमान, ही ब्लंटली रिफ्यूज्ड टू डू इट। जी हाँ, जूम को खबर मिली है कि सलमान ने साजिद नडियाडवाला को फोन करके साफ कह दिया है कि वो जैकी के साथ फिल्म में ऐसे कोई इंटिमेट सीन्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन ये इंटिमेट सीन्स चीप लगेंगे। और साथ ही सलमान खान ने साजिद को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट में नेसेसरी चेंजेस करे। वेल, वी आर सरप्राइज्ड विद सलमान्स रिएक्शन। आफ्टर ऑल, ही इज वन एक्टर हु हैज स्टक बाय द रूल नो किसिंग ऑन स्क्रीन। इंटरेस्टिंगली, शाहरुख खान ने भी फिल्म जब तक है जान से पहले ये स्ट्रिक्ट रूल बना रखा था कि वो ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स नहीं करेंगे। वेल, अब देखने वाली बात होगी आखिर सलमान किस फिल्म के लिए अपनी इस ऑन स्क्रीन किसिंग ना करने की प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। इमरान हाशमी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में इस डॉन अवतार को अपने करियर का बेस्ट रोल मानते हैं, लेकिन इस फिल्म की सीक्वल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन में इमरान हाशमी को अक्षय कुमार ने कर दिया रिप्लेस। अपने फेवरेट रोल के हाथ से चले जाने के बाद इमरान हाशमी थोड़े उदास तो हैं, लेकिन अक्षय कुमार के लिए उनके दिल में कोई गिले शिकवे नहीं है। तभी तो जूम को खबर मिली है कि अक्षय कुमार और इमरान हाशमी करण जौहर की एक फिल्म साथ करने जा रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज का कहना है करण जौहर की फिल्म गुटका, जिसके लिए अक्षय कुमार का नाम पहले से ही कंफर्म माना जा रहा था, इस फिल्म में सेकंड लीड के तौर पर करण ने इमरान हाशमी का नाम फाइनल कर लिया है। इमरान हाशमी करण की प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक फिल्म उंगली ऑलरेडी कर रहे हैं। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि करण जौहर बॉलीवुड की इस यूनिक जोड़ी को अपनी फिल्म में कैसे यूज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
करण जौहर ने करीना स्टारर अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। November 2013 को बॉलीवुड के एक्स कपल शाहिद और करीना सिल्वर स्क्रीन पर फिर से नजर आने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें शाहिद और बेबो एक साथ आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि शाहिद करीना भले ही एक साथ किसी फिल्म में नहीं आ रहे हों, लेकिन इनकी फिल्म गोरी तेरे प्यार में और रैम्बो राजकुमार दोनों एक ही डेट 15 नवंबर को रिलीज होने वाली थी। शाहिद कपूर और करीना कपूर के इस बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर अभी से बॉलीवुड गलियारों में काफी बातें हो रही थी। जहां रैम्बो राजकुमार को शाहिद की कमबैक फिल्म माना जा रहा है, वहीं करीना कपूर भी अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में सबको लग रहा था कहीं करीना और शाहिद की ये बॉक्स ऑफिस क्लैश उनकी पुरानी बुरी यादों को ताजा न कर दे। लेकिन जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि करीना की फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने शाहिद की इस फिल्म से क्लैश अवॉइड करने का फैसला लिया है। करण को ऐसा लगता है कि गोरी तेरे प्यार में और रैम्बो राजकुमार के बॉक्स ऑफिस क्लैश से दोनों ही फिल्मों को नुकसान होगा। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का फैसला किया है। वैसे खबर ये भी आ रही है कि करण ने ही एकता कपूर और शाहरुख खान की ईद क्लैश को अवॉइड करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आजकल करण जौहर फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ बॉलीवुड में पीस मेकर का भी रोल प्ले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि पुलिस के हाथ सूरज के खिलाफ कुछ नए सबूत लगे हैं। क्या है इस केस की लेटेस्ट अपडेट? लेट्स फाइंड आउट। जिया खान के सुसाइड के बाद दिन ब दिन कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स आती जा रही है। कभी जिया का 6 पेज सुइसाइड लेटर मिलना, तो कभी सलमान के नाम का मिसयूज करना, और कभी जरीना वहाब का इस पूरे इंसिडेंट को भूल जाने की रिक्वेस्ट करना। और अब इस केस में आया है एक और नया टर्न, और वो है कि जिया खान के इस सुइसाइड नोट में लिखा था दैट शी हैड अबॉर्टेड हर्स एंड सूरज पंचोलीज चाइल्ड, और इस पर जिया'स मदर हैड सेड दैट थिंग्स दैट आई एज अ मदर did not, and I thought, you know, why I asked him, did you know some of the things they knew, but I didn't. और इसी के चलते मुंबई पुलिस ने उस क्लिनिक से रिपोर्ट ले ली है जहां से जिया खान ने अपना अबॉर्शन करवाया था। और इसी मुद्दे पर पुलिस का ये कहना है कि there have been no new developments so far. We have received the medical reports from the hospital where the fetus was aborted. वैसे जिया खान के सुसाइड केस के चलते सूरज पंचोली को 13 जून तक पुलिस हिरासत में रखा गया था, और इस केस में और भी अपडेट्स के चलते सूरज को फिलहाल पुलिस कस्टडी में 27 जून तक रखा जाएगा। और तो और इसी केस में और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के चलते पुलिस को सूरज के घर से छानबीन के बाद 5 लेटर्स मिले जो जिया खान और उनके बीच एक्सचेंज हुए थे। लेकिन अब अबॉर्शन रिपोर्ट के सामने आते ही मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से सूरज के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर की फिल्म आशिकी 2 ने अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है, और फिल्म की सक्सेस के बाद श्रद्धा को मिले ढेर सारे गिफ्ट्स। लेकिन इन गिफ्ट्स में श्रद्धा का सबसे फेवरेट गिफ्ट कौन सा है, आइए श्रद्धा से ही जानते हैं। आशिकी 2 की सक्सेस के बाद भले ही श्रद्धा कपूर को इंडस्ट्री में सभी ने अप्रिशिएट किया होगा, एंड एवरीवन्स क्वाइट हैप्पी आफ्टर द सक्सेस, बट इस फिल्म के 100 करोड़ क्लब क्रॉस करने की खुशी सबसे ज्यादा अगर किसी को थी तो वो थे श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर। और आप खुद श्रद्धा से सुन लीजिए कैसे उनके डैड ने अपनी बेटी की सक्सेस को बनाया और भी स्पेशल। आशिकी ने 100 करोड़ क्रॉस की तो मेरे डैड ने उस न्यूज़पेपर कटिंग को फ्रेम करके मुझे एक गिफ्ट दी, तो आई फेल्ट दैट वाज अ वेरी थॉटफुल एंड टचिंग गिफ्ट, एंड ओनली आई थिंक अ फादर कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट फॉर हिज डॉटर, सो दैट इज वेरी वेरी स्वीट। जी हाँ, शक्ति कपूर ने न्यूज़पेपर की कटिंग को फ्रेम करके श्रद्धा को किया गिफ्ट। वहीं श्रद्धा इज ऑल्सो राइट वाइल सेइंग दैट ओनली अ फादर कैन डू समथिंग लाइक दिस। वेल, श्रद्धा ने अपनी इस फिल्म से तो अपने डैड को खुश कर ही दिया। वी जस्ट होप एंड विश दैट आगे चलकर भी आपको इसी तरह की कामयाबी हासिल हो, जिससे आपको अपने डैड से यूनिक तरीके में अप्रिसिएशन मिलते रहे। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। शाहरुख और अक्षय जैसे एक्टर्स को टक्कर देने आ गई है अनुष्का शर्मा।
अनुष्का एड वर्ल्ड में इन एक्टर्स की लीग में शामिल हो गई है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अनुष्का शर्मा इन सुपरस्टार्स की तरह जल्द करने वाली हैं एक लिकर ब्रांड को एंडोर्स। अनुष्का विल बी वन ऑफ द लीडिंग फीमेल एक्टर्स जो कि किसी लिकर ब्रांड से जुड़ने वाली है। वैसे इससे पहले प्रियंका चोपड़ा इनडायरेक्टली लिकर ब्रांड से जुड़ चुकी हैं, लेकिन शायद ये पहली बार होगा कि बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस लिकर को एंडोर्स करती नजर आएगी। हालांकि ये एड कैंपेन भी सरोगेट तौर पर ही सामने आएगा, लेकिन अपनी बाकी कंटेम्पररी से अलग हटकर अनुष्का ने अपनी एक अलग लीग तो बना ही ली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अनुष्का का नशा इस ब्रांड के लिए कितना सर चढ़कर बोलता है। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। पहले इससे पहले कि ऑडियंस मिल्खा के साथ भागती चली जाए, हम थोड़ी बातें कर लेते हैं डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा से इस फिल्म के बारे में। वेलकम टू जूम। हेलो चेता। सबसे पहले बताइए प्रमोशंस के हिसाब से चल रही है, क्योंकि फिल्म के लिए प्रमोशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी वगैरह प्लान की गई है? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि जो फिल्में हैं जो सोच के हमने फिल्म बनाई है, जैसे इंस्पायर होकर मिल्खा जी की स्टोरी पे, तो हम वही बातें करें हम, और ऐसी किसी भी और चीज़ की हमें आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है कि किसी गॉसिप में जाएं कि कुछ ये करें कि ऐसा करें, जो अक्सर हो जाता है, जो चाहे हम चाहें या ना चाहें, बाजे वक्त चाहते नहीं बट हो जाता है ऐसा कुछ। बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है, एक इंसान की रियल लाइफ को लेके बनाई गई है, उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है, आधारित तो नहीं बोलूँगा, बायोपिक तो है नहीं, एक टेक है। तो उसमें हमने पूरे मन से बनाई है, पूरे दिल से बनाई है, पूरी सच्चाई से बनाई है, तो वही अगर प्रमोशन में भी झलके तो अच्छी बात है। बहुत इजी था या बहुत ज़्यादा टफ था आपके लिए? इजी और टफ कुछ नहीं होता, जब कुछ करना होता है तो बस करना होता है, तो एक बार ठान ली तो ठान ली। स्पेशली राइटिंग की बात करें तो मिल्खा के ऊपर, मिल्खा से या इंस्पायर्ड बात करें तो फरहान को लेकर इंस्पिरेशन एंड ऑल, ये चीज़ आपने किस तरह से निकाली और कितना वक्त लगा था? ये शुरू हुआ था कुछ साढ़े तीन साल पहले मेरे ख्याल से, जब अब सोच रहे थे कि अब कौन सी फिल्म बनाई जाए, तो दो तीन आइडियाज़ मेरे पास थे, दो तीन प्रसून जी के पास थे, मेरे जहन में मिल्खा जी को लेके एक कहानी रचने की, एक फिल्म बनाने की बहुत जिज्ञासा थी। तो प्रसून जी से बात हुई, तो मैं तो एज अ डायरेक्टर इज़ ऑलवेज ऑन अ क्रॉस रोड, जिसको बोलते चौराहे पे, आगे जाऊँ, दाएँ मुड़ूँ, पीछे जाऊँ, लेफ्ट टर्न लूँ, यू टर्न मारूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोला कि नहीं राकेश, ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना मैं आपको समझता हूँ, जितना अपने आप को जानता हूँ, हमारे अंदर से ये बात ये निकलेगी। कहीं ना कहीं हमारी फिल्मों के ज़रिए हम कुछ बोल भी जाते हैं, कुछ एक एक्सप्रेशन जो एज इंडिविजुअल्स हैं वो आ जाता है। तो मेरा मानना तो यही है कि हम सबके अंदर एक मिल्खा सिंह है अपने अपने रूप में, और ज़रूरी नहीं कि वो एक धावक हो, वो एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, एक स्कूल टीचर भी हो सकता है, एक डॉक्टर, एक लॉयर भी हो सकता है। जो उनकी ज़िंदगी से जो प्रेरणा मिलती है वो लाने की कोशिश की है फिल्म में। इसमें सिर्फ सीरियसनेस ही देखेंगे या थोड़े से रोमांटिक सीन्स भी हमें देखने, क्योंकि हमने सुना इसमें लिपलॉक भी है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही मिल्खा सिंह जी का जो शख्सियत हैं, जैसे हैं और जैसा हमने उनको जाना है और जैसा प्रसून जी ने लिखा है उसको, वो बहुत ही एक सतरंगी कैरेक्टर है मैं बोलूँगा तो। अच्छा। तो उसमें जो रेनबो के सारे कलर्स नज़र आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डार्क शेड्स हैं तो लाइटर शेड्स भी हैं, कोई गंभीरता है तो लाइटर मोमेंट्स भी हैं, रोमांस है तो ड्रामा भी है। तो एक आप खुद जब मिलेंगे मिल्खा सिंह जी से, आपको पता चलेगा उनसे बात करके कि वो कितने ही कलरफुल हैं, तो आपको सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। उनकी चाइल्डहुड बहुत ड्रामेटिक थी, उनका जो कैरेक्टर का आधार है वो उनके बचपन में ही शायद फाउंडेशन वहाँ बन गई थी, इतना कुछ देखा उन्होंने। वो उन्होंने पार्टीशन देखा, पार्टीशन में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया,
मतलब सर के ऊपर से माँ बाप का साया, कोई छत नहीं, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, पहनने को जूते नहीं, कोई नहीं है। तो वो कैरेक्टर जो 12-14 साल की मासूम उम्र में जो जो देखा, जो सहा उसने, उससे वो कैरेक्टर बिल्ड हुआ आगे चल के। फरहान को डायरेक्ट करना बहुत इजी था, क्योंकि फरहान को ऐसे वैसे नहीं, सिंगर है, एक्टर है, डायरेक्टर, हर चीज़ में मतलब मल्टी स्टार कहा जा सकता है। तो क्या वो भी डायरेक्शन में कभी आते थे कि नहीं इसको ऐसा करना चाहिए या थोड़ा चाहिए? है ना कि आगे वाला आपकी बात समझ रहा है कि क्योंकि वो खुद उस गली से गुजरा हुआ है, तो ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वी शेड अ लॉट ऑफ साइलेंस बिटवीन अस एंड कभी कभी मैं थोड़ा सा नच कर देता था, थोड़ा ऑफ, कभी कान में जाके थोड़ा सा विस्पर कर देता था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ऐसे ही लोगों के साथ काम करने में, भले ही वो फरहान अख्तर हो या आमिर खान हो या अमित जी खुद हो, इनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े कि वो अपना ही इंटरप्रिटेशन, अपनी प्रिपरेशन लेके आए। और एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ एक्टर प्रिपेयर्स, हाउ ही इंटरप्रेट्स अ रोल। ओके, ऐसा ये मतलब ये भी ट्रेनिंग चल चुका है, खान्स के साथ काम करना, 100 करोड़ क्लब में जाना, खान्स के साथ काम किया तो मतलब फिल्म 100 करोड़ में ऐसे ही चली गई। क्या सोचते हैं आपको इस बार में आप कहाँ तक बिलीव करते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ 1000 करोड़ हो, आप 100 करोड़ पे क्यों रुके हैं? हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन सिनेमा ऐड हो रहे हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है चाइना को छोड़ के पूरे विश्व में जहाँ रोज़ एक स्क्रीन खुल रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है वो 30-40% हर साल बढ़ता जा रहा है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के बाद अब बॉलीवुड का कौन सा स्टार बनने जा रहा है सुपर हीरो? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सुपर हीरो ऋतिक को ऑडियंसेस ने किया एक्सेप्ट, लेकिन सुपर हीरो बने शाहरुख खान को ऑडियंसेस का नहीं मिला अच्छा रिस्पांस। और अब बॉलीवुड दबंग सलमान खान सुपर हीरो बनकर ऑडियंसेस को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि डायरेक्टर सुसी गणेशन ने एक सुपर हीरो फिल्म लिखी है और वो इस फिल्म में सल्लू भाई को कास्ट करना चाहते हैं। सुसी गणेशन की ये फिल्म 3D वर्जन में होगी। वैसे अब तक सुसी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सलमान खान से बात तो नहीं की है, लेकिन सुसी का कहना है कि इस रोल को उन्होंने सलमान खान को ही ध्यान में रखकर लिखा है। वेल, अब देखने वाली बात होगी क्या सलमान खान एक सुपर हीरो फिल्म के लिए हाँ करते हैं या फिर सुसी का ये सपना अधूरा रह जाएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। विद दिस इट्स रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।